या तो ये कोई ट्रैप है और हमारे पास कुछ है भी नहीं इस ट्रैप के लिए, कुछ करने के लिए है फवेला, लेकिन यहाँ से इसका व्यू चेक करें समंदर का सामने। उनके पास हाथ में एक क्लाशनकोव थी, एक हाथ में कान थी। Assalamualaikum and good morning from Tira Dentes, यहाँ ब्राज़ील में। सबसे पहले तो जनाब आप लोगों को जहाँ जहाँ पर भी आप लोग रोज़े रख रहे हैं पूरी दुनिया में, जहाँ पर भी हैं, पाकिस्तान में, इंडिया में हैं और किसी ममालिक में हैं, तो आप सबको मेरी तरफ़ से माह रमज़ान की बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आपकी जो इबादतें और आपके रोज़े जो है वो कबूल करें और आपको जो है अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने की तौफीक दे। मैं यहाँ पर आज हूँ तेरा दंतेस में और यहाँ से मैं आज जाऊँगा हमारी जो बड़ी डेस्टिनेशन है रियो डी जनेरो, वहाँ पहुँचने के लिए, जो कि तकरीबन यहाँ से 400 किलोमीटर का रास्ता है। कोई लंबा रास्ता नहीं है, लेकिन रियो में एंट्री जो है वो कहते हैं कि अगर आप जो है ना उसको दोपहर 3 बजे के बाद करोगे तो वहाँ पर रश आवर हो जाएगा और रश आवर के बाद फिर वहाँ पर थोड़ा सा क्राइम रेट जो है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश ये है कि मैं यहाँ से जल्दी निकलूँ ताकि हम वहाँ पर ज़रा जल्दी पहुँच सकें। इस टाइम 7:15 हो रहे हैं, हम चल के पहले करते हैं नाश्ता और फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैप पे कि हम कहाँ पर हैं, फिर हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं और फिर हम आज अपना सफर जा रखें टूवर्ड्स रियो डी जनेरो। लेट्स गो। यहाँ पे हमारे भाई साहब बैठे हुए नाश्ते के लिए, उसको मैंने कल कहा था ज़रा मुझे नाश्ता सस्ता जल्दी दे देना। हाँ बुंजिया बुंजिया, हाउ आर यू? एवरीथिंग इज़ गुड? यू केम हियर फॉर मी लाइक सो अर्ली? यस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो ये है जी नाश्ते में यहाँ पे, ये टिपिकल जो इनकी जो है चीज़ की बनी हुई जो होती है ब्रेड टाइप, ये वो हैं। साथ मेरे पास यहाँ पे जो है कुछ फ्रूट्स हैं, पपाया, खरबूजे हैं, चीज़ है मुख्तलिफ किस्म का। यहाँ पे जो है कुछ और किस्म की ब्रेड वगैरह पड़ी हुई हैं, तो नाश्ता अच्छा लग रहा है। यहाँ पे योगर्ट भी पड़ी हुई है, जूस वगैरह हैं। मैं नाश्ता करता हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ मैप पर कि हम जो है कहाँ पर जा रहे हैं आज। तो ये जो है ना जी चीज़ की बनी हुई जो ये हैं, ये इनकी यहाँ की स्पेशलिटी है, वेरी टेस्टी। तो आज मैं आपको दिखाता हूँ मैप पे। तो हम इस टाइम हैं यहाँ पे तेरा दंतेस में, यहाँ पे हम कल पहुँचे थे और यहाँ से हम आज जो है ये छोटा सा ये वाला रोड लेंगे वापस दोबारा। इस रोड से होते हुए हम पहुँचेंगे हम आज शाम को यहाँ पे रियो डी जनेरो में। तो तकरीबन 400 किलोमीटर का रास्ता है ये, जिसमें हम तकरीबन लगेंगे कोई 6 से 7 घंटे। लेट्स सी, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि मैं यानी 3 हद से 4 बजे से पहले पहले मैं वहाँ पहुँच जाऊँ रियो में। होपफुली कि हमारे से कोई प्रॉब्लम वहाँ पर नहीं होगा इंशाल्लाह। बी केयरफुल इन रियो डी जनेरो, देयर आर यूजुअली अ लॉट ऑफ रॉबर्स ऑन बिग मोटरसाइकिल्स, सो यू थिंक रियो इज नॉट सेफ? नो नो वे नो वे। एक और हमारे पास जो एविडेंस आगे कह रहे हैं कि भाई की तरह वहाँ पर ख्याल करें कि वहाँ पर रॉबरी जो है बहुत होती है। नाउ आई एम स्केयर्ड। ओके, वी विल सी, वी विल सी। माय फ्रेंड, नाइस टू मीट यू। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। गुड ट्रैवल टू यू। थैंक यू, बाय बाय। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुभानल्लज़ी सख़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। या अल्लाह मियाँ, आज जो है भी पहला रोज़ा हमारा तो खैर नहीं है, लेकिन ये कि इस रोज़े की बदौलत, इस रमज़ान की बदौलत हमारा जो आज का सफ़र है उसको आसान कर दे, स्पेशली हमारी एंट्री जो है रियो डी जनेरो में उसको आसान कर दे। बहुत सारे लोगों ने कहा, स्पेशली भी आपने सुना भी है, सुबह इसने भी कहा है कि भाई वहाँ पे जो है ना ज़रा वो रॉबरी के ज़रा वो ज़्यादा ही कुछ शौकीन है रियो के लोग। सामने पेट्रोल पंप है, हम यहाँ से पेट्रोल भी डलवा लें पहले। लें जी, हमारे गोंदालिस का टैंक फुल हो गया है, हमारा भी टैंक फुल है। मौसम भी अच्छा है, इस टाइम बारिश नहीं हो रही, तो हम अगले 300 किलोमीटर के लिए जो है ना रेडी हैं। होपफुली नॉन स्टॉप हम जाएंगे 300 किलोमीटर, अनलेस के रास्ते में कोई व्यू अच्छे आते हैं जहाँ मैं रुक के ज़रा ड्रोन उड़ाता हूँ। लेकिन आई थिंक मैं ऐसा नहीं करूँगा, क्योंकि हमारा प्लान जो है कि वो जो है कि हम 3 बजे से पहले पहले या 3 बजे तक जो है हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचें, क्योंकि 3 बजे के बाद कहते हैं कि शुरू होता है वहाँ पर रश आवर, और फिर उस रश आवर में वहाँ पर जो है ना ख़तरा बढ़ जाता है। तो इसलिए भी जो है ना ऐसे कोशिश कर रहे हैं कि चलो हम उस रश आवर से बच जाएं और टाइम से जो है हम जाके अपनी गोंजालिस को हॉस्टल के अंदर खड़ा कर दें और उसके बाद हम जो है ना बाहर के निकलें तो उस पर ऊबर पे या लोकल ट्रांसपोर्ट पे। वी विल सी हाउ इट वर्क्स।
अब इतना करीब आके हम रियो ना जाएं सिर्फ इसी डर की वजह से कि वहाँ पे रॉबरी का खतरा है या वहाँ पे कुछ और है। इसके बारे में आपको ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना चाहता, लेकिन होपफुली हमारे साथ इंशाल्लाह ऐसा कुछ नहीं होगा। तो लुक एट दिस ब्यूटीफुल हिल्स अराउंड मी, इतनी ग्रीनरी यहाँ पे है। बहुत अच्छा मौसम था यहाँ पे, और सिटी जो थी ना ये वाली तिरुवनंतपुरम की, बहुत खूबसूरत सिटी थी। यहाँ पे दो और सिटीज़ हैं इसी तरह की इसके आसपास ही, वो भी हिस्टोरिक ही हैं, क्योंकि ये एरिया जो है जिससे मैंने आपको कल बताया 320 साल पहले यहाँ पुर्तगीज जो वो यहाँ पहुँचे थे, और यहाँ पर जब वो गोल्ड को जो है उन्होंने वहाँ पर ढूंढना शुरू किया था, तो यहाँ पर उन्हें गोल्ड मिला था, तो वो फिर यहाँ पर रह गए थे। और फिर उसके बाद जो है यहाँ फिर अपने वो स्लेव्स लेके आए, और यहाँ पे आकर फिर उन्होंने जाना गोल्ड की तलाश शुरू की, गोल्ड निकाला यहाँ से, और आजकल यहाँ पे जो है वो गोल्ड की सूरत हाल जो है वो नहीं है। लेकिन सिटी आजकल भी जो है ये काफ़ी अच्छी है। महंगाई भी यहाँ पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर सिटीज़, क्योंकि यहाँ पे जो है ना हाई क्लास के लोग रहते हैं ज़रा, यहाँ पर ज़्यादा यहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, तो ये भी जो है एक वजह है। लेकिन बहुत खूबसूरत शहर था, मज़ा आया यहाँ पर। ये लग थोड़ा सा बड़ा शहर रहा है जहाँ से हम गुजर रहे हैं। जो हिली शहर जो है ना, कि जो पहाड़ों के ऊपर हैं, वो मुझे वैसे अच्छे लगते हैं। हल्का सा ऊपर सड़कें ऊपर जाती हैं, नीचे आती हैं, आप वहाँ से आराम से चलते हो ऊपर जाते हो, तो वहाँ पे जो है आप जब आप चलते हो तो फिर आपके जो है ना आपकी वर्जिश भी साथ होती रहती है। तो मैंने कहाँ जाना है भाई, टूवर्ड्स द लेफ्ट। इस टाइम मेरा जो है GPS वो परेशान हुआ फिर रहा है कि मैं इसे कैसे ले कर जाऊँ रियो डी जनेरो। तो GPS मुझे लेके जा रहा है किसी और रास्ते से, और गूगल मैप्स मुझे किसी और रास्ते लेके जा रहा है। तो मैं गूगल मैप्स को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि वो दिखा रहा है कि मैं वहाँ पे जो है तकरीबन 5 घंटे में वहाँ पे पहुँच जाऊँगा, और वो दिखा रहा है तकरीबन को जो है 311 किलोमीटर और तकरीबन 100 किलोमीटर हम करके आ गए हुए हैं। तो ये शहर भी अच्छा लग रहा है। इसके जो है ना पुरानी किस्म की बिल्डिंग्स जो इतनी ज़्यादा इनकी जो है एहतियात ना की गई है उसको बनाने में, अब ये इस तरह हमारे को स्कूल लग रहा है मुझे। या और अब यहाँ पे जब मैं क्योंकि कहानियाँ बहुत सारी सुनी हुई हैं, तो मैं अभी जो शहर में आ रहा था पीछे वहाँ ट्रैफिक थी, तो मैं बड़ा चौकन्ना हो गया कि भाई कोई ऐसे जो है ना भागता हुआ मेरे यहाँ से ये जो है मेरा फ़ोन इसको लेके वो निकालता जाए। पता नहीं अब ये कॉर्डला का जो ये है वो कितना स्ट्रांग है कि आया वो एकदम से इसको जो वहाँ से निकालेगा तो ये वहाँ से निकलेगा भी सही कि नहीं। फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है ट्रैवल में कि मैं जो है ना इतना कॉशियस इतना चौकन्ना होकर बैठा हूँ कि अपनी चीज़ों को साथ में एहतियात के साथ, अल्लाह करेगा तो ऐसा कोई प्रॉब्लम हमारे साथ नहीं होगा। ये पता नहीं इसने कौन सा रूट ढूंढा है भाई गूगल मैप्स ने, और मैं इसको ब्लाइंडली फॉलो करता जा रहा हूँ। पहाड़ों के अंदर से कहीं से ये लेके जा रहा है। लेकिन चलो ये है कि रास्ता ये खूबसूरत है। ये तो आज हमारा सही ऑफ रोड है, इसके लिए तो हम तैयार भी नहीं थे। मेरे ख्याल में ये 5-10 किलोमीटर का ये जो है ये टुकड़ा है, अच्छा ये शॉर्टकट कहीं से लेके जा रहा है क्या? लेकिन मज़ा तो यहाँ पे आ रहा है ना। फिर थोड़ी सी बारिश है, यानी बारिश हुई थी कल यहाँ पे तो स्लिपरी हो रहा है थोड़ा, लेकिन वो स्लिपरी नहीं है कि जो हमारा वहाँ कनस्तरा में हुआ था। ये है ना हमारी गोंजालेस, इसके ऊपर हम जो है ना ओके। अब ये जो है ये थोड़ा डेंजरस है, क्योंकि ये सेम वही चीज़ है कि जो हमें वहाँ मिली थी कनस्तरा में। ऊपर से नज़र नहीं आती कि ये स्लिपरी है, लेकिन ये बहुत स्लिपरी होता है। लगता है कि यहाँ पे हमें टॉल पे करना पड़ेगा जी। हेलो,
कौन तो कस्ता सेत विंची पे ओके कौन कारता तरखेता सी क्रेडिटो Acredito. Wait a second. Somewhere here I also have says is it Brazilian? Ah, so. Gracias, obrigado. Leon ji, hum na kahin se jana hamare paas kana bhi cash nikal hi aaya. Yahan pe hamara jo bahar ka jo card hai wo yahan pe kaam nahi karta. Obrigado. Ciao. यहाँ पे जो है हमारे बाहर का कार्ड हमारा यहाँ पे काम नहीं कर रहा। लकीली मेरे पास आखिरी कुछ जो है ना वो रखे हुए थे ब्राज़ीलियन रियाल, उनसे फिर गुजारा हो गया। मेरी अभी मोटरवे ले लिया तो यहाँ से हमारे तकरीबन बाकी रहता है 160 किलोमीटर। मैंने कहा चलो हम ज़रा वहाँ पर टाइम पर पहुँच जाएँगे। मैं भी यहाँ पर रुका हूँ साइड रोड पे, यहाँ पे मैं कह रहा ज़रा यहाँ पे ड्रोन उड़ालूँ तो मैं अपने मैसेज देख रहा था। मेरा एक दोस्त है यहाँ ब्राज़ील में, वो मुझे लिख रहा है कि जब मैं रियो पहुँचूँ तो रियो पहुँचने से पहले मैं अपना मोबाइल फ़ोन जो जहाँ से मैं उतार लूँ और अपने हॉस्टल तक जो सिर्फ मैं GPS के ऊपर जाऊँ और अवॉइड मोटरसाइकिल विद टू गाइस स्टॉप एट द हॉस्टल साइड वॉक टेक यू ऑफ योर बिलोंगिंग्स एंड देन पार्क इन हॉस्टल लॉट इन हॉस्टल पार्किंग लॉट। यानी अगर दो बंदे मोटरसाइकिल पे हैं तो उनसे अवॉइड करूं और हॉस्टल जब पहुंचूं तो वहां पहले मैं अपना सामान उठा के उसको पहले उसको सेफ रखूं और फिर जो है मोटरसाइकिल के जाकर पार्किंग लॉट में जाऊं और बाहर मैं जाऊं सिर्फ और सिर्फ अपनी जो है ना किसी और चीज़ पे अपने बाइक पे मैं बाहर ना जाऊँ। सो दिस इज़ हाउ डेंजरस रियो द जनेरो इज़। लेकिन हम यहाँ पर ज़रा अभी ड्रोन उड़ाते हैं पहले। ये भी आगे जो है आगे एक और टोल चेक पोस्ट आई थी, वहाँ पर भी जो है हमारे पास जो कैश था वो हमने पहले दे दिया था और यहाँ पे जो है उनके पास जो है सिर्फ ब्राज़ीलियन जो है कार्ड वो काम करते हैं या फिर डेबिट कार्ड काम करते हैं, तो हमारे कार्ड ने यहाँ पे काम नहीं किया। तभी हम फिर जा रहे हैं वापस, तकरीबन फिर 5 किलोमीटर के बाद जाए कहते हैं कि एक जो है टर्न आएगा, वहाँ से आप वापस मुड़ोगे और फिर जो है ना वो आपको लेके जाएगा साइड रोड से कहीं से। तो हम अभी वापस एक तरफ जा रहे हैं तकरीबन 5 किलोमीटर। उन्होंने डॉलर दिए हैं, कहते नहीं डॉलर भी हम नहीं लेते, या तो हम लेते हैं ब्राज़ीलियन रियाल और या फिर जो है डेबिट कार्ड या फिर जो है लोकल उनका कोई एक ऐप है उसके साथ। यहाँ पर लिखा हुआ रियो दी जनेरो। अभी हम जो इसकी पता नहीं कौन सी गलियों में से जा रहे हैं लेकिन लग अच्छी रही है। ये हमारा सफ़र थोड़ा सा जो है बढ़ गया है, तकरीबन कोई 40 किलोमीटर का फ़र्क हमें जब पड़ जाएगा। ओइश यार, आप मेरे आसपास के व्यूज़ चेक करें। हम इस टाइम फिर रहे हैं पेट्रोपोलिस, एक शहर है रियो से थोड़ा सा तकरीबन 70 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ है। बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ है यार यहाँ पे। लुक एट दिस, ऊपर से बारिश के आसार भी अच्छे खासे हो गए, बादल जो है इतने गहरे आए हुए हैं। लेकिन हमारे लिए हमारा जो है ना फवेला रियो डी जनेरो का फवेला हमारा वेट कर रहा है। अगर हम टाइम पे वहाँ पहुँच जाते हैं तो फिर हम आज ही कोशिश करूँगा मैं कि किसी फवेला में जो है ना जब से कौन सा फवेला वहाँ का मुझे पसंद आता है वहाँ पे जाएंगे फिर हम। लेकिन उससे पहले मुझे रुक के अपना GoPro उतारना पड़ेगा क्योंकि बारिश शुरू हो गई है। वेलकम टू रियो डी जनेरो। यहाँ मुझे ये वाला हॉस्टल मिला है और हॉस्टल में जब मैंने ये कमरा लिया यहाँ पे तो यहाँ पे मैंने ये रख लिया अपना सामान शामान। मैं आपको दिखाता हूँ बाहर जाके हॉस्टल, क्योंकि बाहर शोर है काफ़ी। लेकिन जो हमारा यहाँ पे टारगेट है वो ये है कि हम जाके एक
फावेला में चलेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू फावेला बिकॉज अभी जो है यहाँ बज रहे हैं दोपहर के 3:30, अभी हमारे पास टाइम है। मे बी डेंजरस है लेकिन अगर हम उससे जो है डर के बैठ जाएं और यहाँ पे इतना दूर यहाँ पे अगर हम आ गए हैं और उसको हम यहाँ पे आके चेक ना करें सो दिस विल बी अनफेयर। चलें जी हम चलते हैं एक फावेला में। एक्चुअली जहाँ मैं रह रहा हूँ ये भी एक फावेला ही है, यहीं पर चल के ज़रा कुछ हम देखते हैं। हेलो अमीगो कम उस्तास पेन अबलास इंग्लिश मोर ऑर लेस ओके जो आप लोग स्पैनियोल उन पकीतो ओके ओके बेनवेनिडो ला बाबिलोनिया चपेल मंगेरा ग्रासियस ग्रासियस ओके लेट मी नाउ गो इन देयर सो या ये मेरे पीछे पड़ गई यार ये तो अभी सही। एनीवेज चलते हैं जरा हम। दिस इज आवर रियो उसने मुझे कहा था कि जहाँ दो बंदे हों बाइक पे तो उनसे बचना है। अरे सामने आपको नजर आ रहा है कि एक तरफ है बाबिलोनिया और एक तरफ है शापो मंगेरा, तो ये दोनों फावेलाज हैं। फिर यहाँ पे बाबिलोनिया की तरफ जा रहा हूँ जनाब मैं। अभी तक तो खैर ठीक है, मैं यहाँ पे जब आया हूँ तो आते हुए जो है मैंने अपना इसके ऊपर जो है ना कैमरा उतार दिया था इस डर की वजह से, लेकिन आई थिंक इट्स ओके आई विल सर्वाइव। बस इस तरह के नेबरहुड में आना मुझे पहले दिन ही नहीं चाहिए था। खैर यहाँ पुलिस की तो खैर यहाँ पे ना काफ़ी गाड़ियाँ आसपास खड़ी हुई हैं, लेकिन अब मैं इसलिए बाइक पर आया हूँ कि यहाँ पे जो है ना बंदा आराम से रुक सकता है, बाइक के ऊपर ज़रा भाग सकता है अगर मसला होता है तो। लेकिन एक ख़तरा ये भी है कि अगर जो है बाइक पर बंदा आए और आगे जो है कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, होपफुली नहीं होगा। यहाँ पर भी काफ़ी बाइक थे ये वाले खड़े हुए हैं छोटे वाले बाइक। यार वैसे लग को इतना ख़तरनाक नहीं लग रहा, अपने आप को तसल्ली देने वाली बात है। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ पीपल आर लिविंग हियर। इसकी कोशिश करूँ कि इसका जो पोश एरिया है ज़रा वहाँ पर भी जाएं, लेकिन फ़िलहाल आई थिंक यहाँ पर इस टाइम मैं हूँ बाबिलोनिया में। इसके ऊपर क्या है मेरे ख्याल में बाइक को जो है मैं इसको पार्क कर लूँ और यहाँ फिर जो है वॉक की जाए, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोग वैसे यहाँ मुझे देख रहे हैं, अब मैं आगे यहाँ से कैसे जाऊँ भाई, आगे रास्ता है भी सही कि नहीं। आई हैव नो आइडिया वेयर आई एम राइट नाउ। यानी मैंने अपने बाइक को यहाँ पार्क कर दिया और बाइक के साथ होपफुली कि बाइक को यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसको मैंने लॉक तो किया, इसमें सिर्फ मेरे कोई कीमती सामान नहीं है, सिर्फ जो है छोटी मोटी इसमें हैं चीज़ें, लेकिन फिर भी होपफुली कि यहाँ पर ऐसे कुछ नहीं होने वाला। लेट्स सी आगे वहाँ पे लिखा हुआ था पेडेस्ट्रियन सिर्फ है, तो इसलिए मैं वहाँ पे आगे नहीं जाना चाह रहा था। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं चल के। हेलो हेलो अये ये मुझे काट नहीं तो इज योर डॉग क्या स्पीक इंग्लिश अ लिटिल बिट व्हाट्स योर नेम कंदेला यू लिव हियर यस यू आर टीचर नो व्हाट यू डू आई एम सेलिंग A jewelry. Yes. On the beach. Uh-huh. And today you are not. Oh. What happened, buddy? What happened? Yeah, we have friend. Look here. Yeah. Look here. Okay. So today you are off. Oh, because today I go to produce. To produce. Ah. Yes. I sell something. I produce others. Okay. You make it at home, like yourself. Yes, I make like this one. You know, it's like. Are the bracelets? Uh huh. Okay. Can I see? In my home. Yeah, it's possible. I think it's not right now. It's not. So, how do you work like there? So, it's weird. I would like to see if it's possible. If not, then it's okay. Yeah, right now it's not. I cannot right now. Okay. Yeah. Okay. Thank you. Obrigado. Have a nice day. Bye bye. यार ये कुत्ता बड़ा फ्रेंडली था, वो बीपी जो यहाँ पे काम करते हैं कहते नहीं मेरे घर तो नहीं आ सकता। अवल में भी बायन अगवा जी बोला मी को समझता अगवा सी अगवा से अगवा सी ग्रासियस 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 हाउ मच दोई क्या अच्छा ये क्या है बार बार शॉप बोला मी को
Can I pay with card here? Quiero pagar con carte. Con carta. Tarjeta. Sí. Tem horário, chefe. Hã? Chefe, que tem horário para contar, Lupe. Só de LED. Chilete, sim. Tem chilete. Então, tem que marcar. Chefe, que marcar um horário. Chefe, outras pessoas na frente. A duas pessoas? Uma pessoa, ah. Okay, duas pessoas. Yeah. Okay, this, okay, then I will come later. Okay. Depois. Ah, okay, depois. Yes, yes, yes. Okay. मैंने कहा चलो हम यहाँ पे अगर आए हुए हैं तो ज़रा आपने हम बालों की तरह शेव करवा लें, लेकिन उसके पास अभी दो बंदे और बैठे हुए हैं तो कहता है कि बाद में आना। मैंने कहा ठीक है भाई। सो व्हाट्स योर नेम? माय नेम इज फिलिप। फिलिप है? या। ओके फिलिप, सो नाइस टू मीट यू फिलिप। वेलकम माय फ्रेंड। ये असल में मुझे जो है ना इधर ही यहीं मिला था अभी नीचे, तो इसको थोड़ी बहुत इसको इंग्लिश आती है, थोड़ी सी उसकी स्पेनिश आती है, तो कह रहा है कि मैं तो ये फिर चल के ज़रा अपना दिखाता हूँ यहाँ पे। मैंने कहा ठीक है भाई, लेट्स गो एंड चेक। हेलो, हाउ आर यू? कम एस्टास? तुदो बियन? हाँ, कैस तुम नोमरे? हाँ, डोमिनिक के बोए ना डोमिनिक। हाउ आर यू माय फ्रेंड? के ताल बुएनो? हाँ, अलेक्जेंडर? अलेक्जेंडर? अलेक्जेंडर, are you a football player? Yeah. Yeah? Yeah. You do some tricks? Yeah. Yeah? Yeah. Yeah. Oops. Oh. Didn't work this time. Okay. Bueno. Bueno, Alexander. Thank you. Oh, look at this. Is this safe here, Philip, to walk? Is this safe? No problem? No problem. No crime? No crime. No yeah, weapon? Crime. Yeah, crime, yeah. Crime, yes. Yeah, yeah. Okay. I can't see any crime. Do they have people like the pistol or the weapon, yeah. Guns? Yeah. Guns? Guns? It's like chut, 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 chut. Yeah? Yeah? Mas tranquilo. Acá tranquilo. Mas tiene tra. Acá tranquilo? Tranquilo. Okay. Ah. CMP? La Babilonia. CMP? La Babilonia. Is there house or what? Yeah, house. Okay. ना कर ऊपर है किसी का है घर, आई थिंक। लुक एट दिस, आह यहाँ पे देखेंगे आप, पीछे व्यू नज़र आ रहा है जनाब, अटलांटिक ओशन। वो मुझे बता रहा था कि यहाँ पे लोगों के पास गन्स वगैरह तो हैं, लेकिन पता नहीं यहाँ पे डेंजरस नहीं है या क्या है। हाय अमीगो, हाउ आर यू? गुड टू सी यू। ओके भैया, तो ये कोई ट्रैप है और हमारे पास कुछ है भी नहीं इस ट्रैप के लिए, कुछ करने के लिए। ओके नाउ आई एम स्केयर्ड। हाँ नाइस व्यू फ्रॉम हियर। तब ये कोई ट्रैप ना हो। वाह इस तरह के व्यू भी यहाँ पे आ सकते हैं जनाब, अगर आप यहाँ पे आएँ अंदर कोशिश करके। अब मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कि ये कितना वर्थ है यहाँ पे आना, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्केरी हो रहा हूँ, लेकिन अगर स्केयर हो के अगर मैं अंदर बैठ जाऊँ और यहाँ पे रियो में आके रियो को हम ना देखें तो यू नेवर नो। आई कैन नॉट रिकमेंड, बट इट लुक्स फाइन। हाउ इज दिस व्यू हियर? है फवेला, लेकिन यहाँ से इसका व्यू चेक करें, समंदर का सामने सामने बीच है इतना बड़ा, ठंडी हवा चल रही है बड़े मज़े की। और अगर यहाँ से आपको नज़र आई थिंक नहीं आएगा, इन बादलों में जो है जो फेमस जो है क्राइस्ट का जो मुजस्मा है रियो का जो सबसे फेमस है वो सामने वहाँ पर है, अगर यहाँ पे आपको नज़र आता है तो इस वाले बादल में। तो लेट्स सी कि अगर हम वहाँ पे अगर हम वहाँ पे जा सकते हैं। आई थिंक इतना ऊपर जो है वहाँ बाइक के साथ नहीं जा सकेंगे, वहाँ पर हमें हाइक करनी पड़ेगी, बट लेट्स सी। हेलो अमीगो, मुस्ताज पियन अमीगो, चाओ। Gracias. Obrigado.
यहाँ पे अब है ना ये लोग इस तरह के एरिया को फावेलास नहीं बोलना चाहते, ये फावेलास का जो है नाम उसको वो चेंज कर रहे हैं कम्युनिटी सेंटर में या कम्युनिदाद में उसे कहते हैं। अब यहाँ पे उसे कहते हैं लोकल जबान में कम्युनिदाद या कम्युनिदादेज या कम्युनिटी। फावेला जो है वो उनको उनको पसंद नहीं है। नो कीर इज फावेला, सी ओरिजिन फावेला, पेरो अकी कम्युनिदाद तबियन कम्युनिदाद पोके उन अजुदा आउट ओके ele me ajuda isso é uma comunidade favela no bien comunidad bien favela ou comunidade bien ओके नो प्रॉब्लम ओके तो ठीक है। तो वो कहते हैं कि है ना दोनों फावेला या कम्युनिटाद दोनों जो उसको कहते हैं, लेकिन अभी जो है ना सुना है कि इसमें जो है लोग ज़्यादा फावेला नहीं बोलना चाहते, कम्युनिटाद जो ज़्यादा बोलते हैं। एनीवेज तो ये दोनों उसका नाम है फावेला या कम्युनिटाद। इत पोसादा पोसादा स्ट्रेला बेबीलोन स्ट्रेला बेबीलोन द बेबीलोनिया ओके तो ये भी जनाब एक हॉस्टल है, अगर आपने यहाँ पे आकर रहना है यू कैन लिव हियर। कोलंबियानो ओके तो सामने हमारे है जी कोपा कबाना, जो ये वाली चोटी है इसके ऊपर अभी सारे बादल हैं, वहाँ पे है क्राइस का वहाँ मुजस्मा जो फेमस है यहाँ का। हेलो हाँ नहीं ये मुझे तेरी जबान नहीं आती। लुक एट दिस हेलो हेलो उनके पास हाथ में एक लाशन कोफ थी, एक ही हाथ में गन थी और एक ही हाथ में एक और गन थी। ओके नाउ दिस इज डेंजरस, ये तो कह रहे कि तो बियन वो सामने जा रहा है, मुझे वहाँ से इशारा करता है कि अभी आगे बैठे कैमरा नीचे कर ले। तो फिर जो है ना बोला शेर दिला फ्रूट जैकफ्रूट खरीदते मुझे अपनी पड़ी हुई है। जो पीछे कुर्सी पे वहाँ बैठा हुआ तो उसके हाथ में वायरलेस है वॉकी टॉकी और गन है उसके हाथ में। सोलार मुझे भी सोलार ने मुझे यहाँ से बाहर निकाल भाई। सोलार मैंने पहले बहुत देखे हुए हैं। ये एक और कम्युनिटी आ गई है, एक और फवेला, इसका नाम पता नहीं क्या है। ओए अमीगो तो बियन अच्छा वहाँ पे तो फिर भी कुछ ठीक था, लेकिन यहाँ पे जो है ना सीरियसली डेंजरस है। 1500 नाइस बस तेरे पास नहीं आ रहे यार हम। हेलो हाय बियन सी हाँ डीजे ऑफ द कम्युनिटी हाँ सी या वही बियन हाँ सी यहाँ से हमें फिर पूरा जो व्यू नज़र आ रहा है जनाब इस पूरे बीच का कोपा कबाना का। इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ कि रियो डी जनेरो को रियो डी जनेरो क्यों कहते हैं, क्योंकि जब यहाँ पुर्तगाली जब यहाँ पे आए थे तो क्योंकि ये जो एरिया जो है ये एक किस्म का जो है ना ये एक इसके तीन तरफ से जो है इसका पानी है और एक तरफ से इसका जो है ना वहाँ खुश्की है, तो उन्होंने समझा कि शायद है ना ये एक दरिया है और इसलिए उन्होंने उसको कहा कि रियो। तो रियो कहते हैं पुर्तगीज़ में और स्पेनिश में दरिया को रियो, तो उन्होंने समझा कि ये एक रियो है एक दरिया है। और क्योंकि जब वो यहाँ पहुँचे थे वो महीना था जनवरी का, तो जनवरी को कहते हैं पुर्तगीज़ में जनेरो, इसलिए उसका नाम रख दिया रियो डी जनेरो। क्या क्रिएटिव लोग थे उस टाइम भी, रियो डी जनेरो द रिवर ऑफ जनवरी, और उसके बाद से इसके फिर अब ये नाम पड़ गया। मिट्टी का बना हुआ घर है, लेट्स गो एंड चेक दिस हाउस सी हाँ यहाँ पे लकड़ी के बाँस मिट्टी है और साथ में यहाँ पे जो है ये बिल्ली आ गई पिक इसको अंदर कोई है कि नहीं है। तो ये जनाब इनके घर हैं, यहाँ पे दो बिल्ली रखी हुई है, इसने वॉशिंग मशीन भी है यहाँ पे, दिस इज़ द वॉशिंग मशीन, पता नहीं अब ये काम करती है कि नहीं करती, आई डोंट थिंक सो कि ये काम करती है।
इस तरह लोग यहाँ पर रह रहे हैं इस कम्युनिटी में, इस फवेला में। और इसके उस तरफ जो है तकरीबन कोई 200 मीटर 300 मीटर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। अगर आपने ड्रोन फुटेज में देखी हैं तकरीबन 300-400 मीटर उस तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे अपर मिडिल क्लास के और मे बी अपर क्लास के लोग वहाँ पे रहते होंगे। तो ये कंट्रास्ट देखें आप, क्या तकरीबन 300-400 मीटर दूर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और यहाँ पे इस तरह घर हैं। व्हाट आर यू डूइंग? फिएस्टा? आर यू मेकिंग पार्टी? हैबलास इंग्लिश? स्पैनियोल? नो स्पैनियोल? हाँ ना जो नो फूमो नो फूमो चलो पुर्तगेज व्हाट इज योर नेम? मरिया करारा। ओके एंड यू लिव हियर? सांद्रा एंड ओलोनी। ओलोनी ओके हैव अ नाइस डे। ओके हैव अ नाइस डे। बाय बाय। चाओ चाओ चाओ। मुचा ग्रास। हां व्हाट्स माय नेम? माय नेम इज आर्ची। के आर्ची? हाची आर्ची। वाले चाओ। सो फ्रेंडली पीपल। यहाँ मुझे लग रहा है जनाब कि यहाँ पे जाने कोई स्कूल है और लिखा हुआ है स्कूलीना और यहाँ पे कोई लाइब्रेरी भी है। यहाँ पे नीचे के लिखा हुआ था कि वहाँ पे जो है एक मेडिकल सेंटर भी है। बोला दिया। और मेरे ख्याल में जो इस कम्युनिटी का इस फावेला का जो है यहाँ पे ऑफिस वगैरह भी है। बाजार कस्तूमी। हाँ सर अक्का मेदी को। ओके बोला लबी बिलो ते का। यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी है। बोला हेलो बंजिया। हेलो दिस इज लेटर्स कार्तास। ओके ला कार्तेरा। ओके अकी बिब्लियोटेका। ओके रोपा अतियंदा अतियंदा ला रोपा। ओके el jefe la jefa sí yahan pe janab inke paas yahan pe ek bazaar hai yahan pe aapko jo hai na purane kapde mil jayenge whatever you want to buy yahan pe joote bhi aapko milenge is tarah ke if you want to buy some shoes here kuch kapde is tarah ke aapko milenge yahan pe is taraf jo hai yahan pe wo library hai jahan pe jo hai wo bacche apni library wagera ko wo check kar rahe hain kya brigada cha brigada arriba sí सोलर। ओके तो उसके ऊपर जो है छत के ऊपर वहाँ पे जनाब कह रहा है कि वहाँ पे है ना सोलर पैनल वहाँ पे लगे हुए हैं। ये जो है ये इनका एक तरह का क्लिनिक है, हॉस्पिटल है और ये इनका ऑफिस हो गया। ते गुस्ता मी मोतो मुई बुन मुई बुन सी चाओ उसको मैं भी ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे कोई जगह खाने की कि चलो हम यहाँ से जो है कुछ खा ही लें। लेट्स सी यहाँ पे आना ख़तरे से खाली तो नहीं है खैर, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पे कि लोग यहाँ पे कैसे रह रहे हैं। लें जी बीच की सैर करके, बीच से ज़रा हो के थोड़े से वॉक करके वहाँ पे आज के दिन को मैं यहीं पर रैप अप करता हूँ। उम्मीद है कि आपको आज के दिन पसंद आया होगा। हमारी जो राइड थी, राइड तो खैर हमारे ज़्यादा हैपनिंग नहीं थी, उसमें सिर्फ हम जो है हाईवे वगैरह से ही आए थे, लेकिन रास्ते में जो हमारे व्यूज़ आए थे और उसके बाद यहाँ पहुँच के जो हमने सैर किया, फावेला जो हमने जो है वो देखा है, यहाँ का लाइफ स्टाइल जो है, जो लोअर क्लास के जो हैं लोग उनको लाइफ स्टाइल जो हमने वो देखा है, क्योंकि रियो के बाकी जो उसकी हैं सारी जो उसकी टूरिस्टिक अट्रैक्शन जो हैं सब कुछ वो तो बहुत बड़ा इंटरनेट पर, लेकिन इस तरह की जो लोकेशन है जहाँ मैं आ गया हूँ उसके बारे में कमी देखने को मिलता था। मैंने कोशिश किया आपको कि आपको ज़रा वो दिखा सकूँ। तो उम्मीद है कि आपका आज का जो पहला रोज़ा है वो भी अच्छा गया होगा और अब ये वीडियो देख के आपका रोज़ा जो है और भी अच्छा हो जाएगा। तो इंशाल्लाह मैं फिर आपसे मिलता हूँ कल सुबह यहाँ पर रियो में।
हम जरा घूमेंगे कल सुबह के लिए, तो उसके बाद फिर आगे चलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह कल। अस्सलामुअलैकुम।